वही सबको गुलामी की तरफ ढकेलना चाहती है, सबको मानसिक गुलाम बनाना चाहती है, आर्थिक तौर पर गुलाम बनाना चाहती है। श्रीलंका की हालत हमने अभी देखी हुई, यानी अम्बानी को पूरी जमीन और जो किसानी को बेचने का प्लान बनाया वो किसानों की समझ में नहीं आया, दलितों की समझ में SC ST एक्ट का रिमूवल समझ में नहीं आया। मतलब कि सबको किसी को कुछ समझ में, एक ही समझदार जो है बीजेपी RSS के लोग हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हो गई है सरकार द्वारा, ये कोई किसी फ्रिंज एलिमेंट ने नहीं, सरकार द्वारा, क्योंकि वो सरकार की प्रवक्ता थे। इस आंदोलन को RSS से, हाँ बिल्कुल, वो इसीलिए तो उसको उठा रहे हैं, ताकि सारी मुस्लिम कंट्रीज अभी तो सिर्फ बॉयकॉट कर रही है, कहीं ऐसा ना हो अटैक कर दे। सरकार की तरफ से स्टेट स्पॉन्सर्ड है, जिस तरह मोदी जी ने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किया था, जिस तरह से कत्लेआम मचाया था 2002 के दंगे में गुजरात में, ठीक वैसे ही नूपुर शर्मा का मामला करके कर दिया। सीधे टूटने के बाद भी, कत्लेआम होने के बाद भी, मजलूमों को जबरदस्ती जेल में भरने के बाद भी, और 20-20 साल मासूम सजा काटने के बाद भी अदालत पर भरोसा रखे तो रखे, यही तो पंडित या कॉलेजियम सिस्टम का है। नहीं, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, नहीं हो सकता, ब्राह्मण पर कोई भरोसा नहीं हो सकता। ये कि ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता, जिसके कारण से इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी ये सारे तथाकथित आजादी के आंदोलन चलाए। इसमें क्या वैरायटी, तो कोई बात है, रोजगार मिलेगा, व्यापार, रोजगार, यहाँ तो 45 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं और अपनी रोजगार की चाह छोड़ चुके हैं। आप कहते हैं कि रोजगार मिलेगा, क्या खाक मिलेगा, वो भी संवैधानिक नहीं है, वो भी मनुस्मृति वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं है, मुसलमानों के लिए नहीं, हमारे किसी के भी लिए नहीं, 85% के लिए बिल्कुल भी नहीं। ये जो स्कीम है पूरी तरह से भारत को गुलामी की तरफ, नौजवानों को गुलामी की तरफ ढकेलने की साजिश है। श्रीलंका की घटना अभी अभी आपको पता होगी हुई है, और उसको देखकर की गई, और जहाँ तक ये जो दंगे हुए या फसाद हुए या ये जो प्रोटेस्ट हुए, अब हमने ये ज्ञान व्यापी या फिर जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई उसको लेकर जो मुसलमानों का रोष था या जो भी ये था, वो उसको दब देंगे, उनको कहा गया वो दंगाई है। नहीं, ये 80-20 का फॉर्मूला है, दंगाई है, अरे मुसलमान दंगाई है, बाकी जो तथाकथित RSS BJP का हिंदू है, मैं RSS BJP का हिंदू कह रहा हूँ, वो जो है वो सही है, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो कुछ एक लोग हैं, चंद एक लोग हैं, ये शुरू से ही माफी वीर सावरकर के चेले रहे हैं, और इस वजह से ये जो है भारत को जलाना चाहते हैं, भारत को अशांत रखना चाहते हैं। इस जो पर अग्निवीर जो वे जो स्कीम आया है, इसमें कहा जाए 2 साल और बढ़ा दिया जा रहा है मोदी जी के, नहीं 2 साल, चार साल से 2 साल बढ़ा दिया गया, मतलब 6 साल, 6 साल ही नौकरी करेंगे, बाकी उसके बाद आकर क्या करेंगे, वो गुलामी करेंगे। युवा रहेगा तो युवाओं का परिक्रम होगा, उसमें अंदर परिक्रम निकलेगा। मान लीजिए 17-18 साल में एक युवा जो है नौकरी में जाता है, 24 साल तक आते आते उसके अंदर ऐसी नहीं 24 साल तक आते आते उसके अंदर क्या ऐसी एक्सपीरियंस आ जाएगी, या उसके अंदर ऐसी सेना वाली खूंखारता आ जाएगी जो समाज में आकर और उसको खूंखारता फैलाएगा। क्योंकि सेना बनाने के बाद आज के दौर में सेना का मतलब है कि वो इतना उसको ना ट्रेनिंग ऐसी कर दी जाती है, उसकी मानसिकता को इतना ग़ुलाम बना दिया जाता है कि वो सिर्फ डिसिप्लिन के चक्कर में इंसानियत और उसके बाद जो मतलब संवैधानिक उसकी ये है परिस्थिति है उसको भी भूल जाया करता है। जब मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे थे तो आप लोग कह रहे थे रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं। अब रोजगार दे रहे हैं तो कह रहे हैं भाई ये रोजगार जो 15-20 साल का उसका टर्म था एक नौकरी का, उसके बाद उसको पेंशन मिल रही थी, उसको ख़त्म करने की वजह क्या है, यही सवाल बनता है ना। बाद में पेंशन मिलेगी क्या? एक तो जब अटल बिहारी वाजपेयी आए वो सबका पेंशन खा गए, कह रहे वन रैंक वन पेंशन, नहीं वो कब होगा ये मतलब 4 साल के बाद या 6 साल के, नो रैंक नो पेंशन मतलब तो ऐसे है ही नहीं, वो पहले से ही नहीं है, आपको देना चाहिए, आप दे ही नहीं रहे हो, देना चाहिए लेकिन आप दे ही नहीं रहे हो, आप तो सिर्फ पूंजीपतियों को बढ़ाते जा रहे हो। आखिर इसको 4 साल ये फौज की जो नौकरी है सेना की नौकरी, इसको 4 साल पे नहीं, ये इंटरिम कह सकते हैं, वो तो ट्रेनिंग में निकल जाते हैं, उसको ट्रेनिंग में ही निकल जाते हैं उतने साल। 4 साल लाने की वजह क्या चाहते हैं? नहीं, मैं वही सबको गुलामी की तरफ ढकेलना चाहती है, सबको मानसिक गुलाम बनाना चाहती है, आर्थिक तौर पर गुलाम बनाना चाहती है। श्रीलंका की हालत हमने अभी देखी हुई है,
और यही हालात पूरे विश्व की, विश्व में लगभग कुछ एक देशों की होने वाले है जिसमें भारत भी शामिल है। हमारी जीडीपी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको तो आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। जो सेना है वो प्राइवेट है। जी बिल्कुल सही है, वो भी काम कर रही है। हाँ, वो भी काम कर रही है, लेकिन वहाँ की आबादी को आप देखें, उनका इकोनॉमी देखें, उनका स्टैंडर्ड देखें, उनको वहाँ 80 करोड़ लोग यानी 60% लोग उनकी पॉपुलेशन के 5 किलो राशन पर जीवित नहीं है। वहाँ की जो जैसे भारत की 60% आबादी ना, 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन लेकर खा रहे हैं, उसी पर ही जी रहे हैं। तो ऐसा क्या 60% लोग उस कंट्री में हैं जिस कंट्री का जिक्र आप कर रहे हैं? लेकिन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अग्निवीर को लेकर के, वो प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं अगर हमें नौकरी नहीं मिलेगी, अगर सरकार वापस नहीं, हम आतंकवादी बन जाएंगे। अच्छा, नहीं आतंकवादी नहीं, वो प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं, आतंकवादी नहीं बनेंगे। देखिए अब CA लेके आए, मुसलमानों की समझ में नहीं आया, एक शोशा छोड़ दिया भाई। हम कृषि बिल लेके आए, 3 कृषि बिल, चाइना को, मोदी अडानी अम्बानी को पूरी ज़मीन और जो किसानी को बेचने का प्लान बनाया, वो किसानों की समझ में नहीं आया, दलितों की समझ में, SC ST एक्ट का रिमूवल समझ में नहीं आया। मतलब कि सबको, किसी को कुछ समझ में, एक ही समझदार जो है BJP RSS के लोग हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। हैं, क्या ये जस्टिफिकेशन है? मोदी जी का ज्ञान, मोदी जी का, अब वो तो एक लंबा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र तो पहले से है, मैंने आपको पहले भी कहा है, 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये डिक्लेयर भी किया था, वो हिंदू हृदय सम्राट बने भी थे, और उसके बाद जब उन्होंने शपथ ली थी संविधान की तो यही बोल कर ली थी, पहला हिंदू बन रहा है। क्या लगता है किसान आंदोलन की तर्ज पर जो युवाओं का जो हुजूम सड़कों पर जो उतर रहा है, क्या ये एक बड़ा आंदोलन की तरफ? नहीं हो सकता, क्योंकि किसानों का मामला अलग था, किसानों के पास बैकअप थी, किसानों के पास बैकअप थी, वो खुद अन्न उगाने वाले हैं, उनके पास दूध, चावल, दाल, यानी वो सारी चीज़ें तो उनके पास थी, जिनको बैकअप करने वाले थे वो आराम से संभाल सकते थे। ये नहीं हो पाएगा, अगर ये होता है, यानी ये पूरी तरह से RSS बैक्ड है। ये मुस्लिम कंट्रीज का जो बुरी तरह से नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल का मामला लेके जो अटैक, इस आंदोलन को RSS से जुड़ा? हाँ बिल्कुल, वो इसीलिए तो उसको उठा रहे हैं, ताकि सारी मुस्लिम कंट्रीज अभी तो सिर्फ बॉयकॉट कर रही हैं, कहीं ऐसा ना हो अटैक कर दें, दबाने की कोशिश है। जी। नुपुर शर्मा का मामला इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हो गई है सरकार द्वारा, ये कोई किसी फ्रिंज एलिमेंट ने नहीं, सरकार द्वारा, क्योंकि वो सरकार की प्रवक्ता थी। सरकार ने कहा ना फ्रिंज एलिमेंट है। हाँ तो बस, तो आपकी प्रवक्ता है ना वो, अब बाद में आप उसको बोलने के बाद निकाल दो, क्या मतलब हुआ उसका? कोई मतलब नहीं हुआ ना, वो सरकार की तरफ से स्टेट स्पॉन्सर्ड है। जिस तरह मोदी जी ने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किया था, जिस तरह से कत्लेआम मचाया था 2002 के दंगे में गुजरात में, ठीक वैसे ही नुपुर शर्मा का मामला करके कर दिया गया सर। जी किसको? जो गुजरात दंगे में, हाँ तो भाई जज उनका, ये जुडिशरी उनकी, उनका इन्वेस्टिगेशन, उनका CBI, उनका सब कुछ तो है, शासन प्रशासन में बैठे हो तो बदलेंगे नहीं। राजीव गांधी भी आए बोफोर्स के मामले में, वो तो कुछ क्लीन चिट होकर निकल गए, वो भी आए थे ना 2010 में ही फैसला आया, 10 के आसपास ही आया वो। अभी जिस तरह से देखा जाए तो एक मामला ED का मामला राहुल गांधी के ऊपर, तमाम कांग्रेस ने वो नुपुर शर्मा के मामले को दबाने के भेजना चाहिए था ED इसको, राहुल गांधी को, राहुल गांधी के साथ पैक्ट है कि 2024 में तुमको सत्ता दे देंगे, इस चक्कर में उसको हीरो बनाने के लिए किया जा रहा है, हो सकता है राहुल गांधी हीरो बनाया जा, बिल्कुल राहुल गांधी अभी के द्वारा ही हीरो बनाया, हाँ बिल्कुल, क्या राहुल गांधी जा रहे हैं, बैठ रहे हैं 8 घंटा वहाँ बैठ के आ जा रहे हैं, सारी मीडिया उस तरफ फोकस करी, यहाँ असल मुद्दे से गायब, असल मुद्दा गायब कर दो। जिस तरह से मुसलमानों के घरों पर जो बुलडोजर चलाया, बुलडोज किया जा रहा था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ मुस्लिम नेता पहुंचे, उन्होंने हलफनामा दाखिल किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बुलडोजर चल रहा है उस पर उन्होंने अंतरिम रोक तो नहीं लगाई, लोगों से कहा कि कानून पर भरोसा बना रहना चाहिए। घर टूटने के बाद भी और मस्जिदें टूटने के बाद भी, कत्लेआम होने के बाद भी, मजलूमों को ज़बरदस्ती जेल में भरने के बाद भी, और 20-20 साल मासूम सज़ा काटने के बाद भी अदालत पर भरोसा रखे तो रखे, यही तो पंडित, तो यह कॉलेजियम सिस्टम का है। अभी तो हमारे कई वक्ताओं ने इस बात को यहाँ पर जाहिर भी किया था, तो क्या भरोसा नहीं रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, नहीं हो सकता, ब्राह्मण पर कोई भरोसा नहीं हो सकता। ये तो अंग्रेज पहले ही बोल चुके थे, मुसलमानों को तो पहले ही भरोसा नहीं है। मैं तो सच में कहती हूँ, जिसको भरोसा हो वो हो, मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं रेशमा इंडियन इस मंच से अभी भी कह रही हूँ, आपके माध्यम से पहुँचाने के लिए,
कि मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जहाँ कोई एससी वाला बैठा है, कोई एसटी वाला बैठा है, कोई माइनॉरिटी वाला बैठा है, सारे तो ब्राह्मण हैं। क्या सच बोलेंगे? क्या सच बोलेंगे? वो तो उन्हीं के हित में बोलेंगे ना, जो वो चाहेंगे, जो सरकार में बैठे हैं वो भी वही हैं। कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। तो इस बात का जाहिर कर दिया गया है, सेवेंथ अमेंडमेंट 1919, इस बात को नोट कर लें। इसमें जाहिर कर दिया गया था कि ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता, नहीं होता, जिसके कारण से इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी ये सारे तथाकथित आज़ादी के आंदोलन चलाए। यही कारण था चलाने का। बाबा साहब भी इससे नाराज थे, उस स्वराज से मुस्लिम लीग तो पहले से नाराज। विचारधारा से कैसे लड़ेंगे आप? कैसे लड़ेंगे? अब तो सत्ता उन्हीं के पास आ गई, अब पलटने का एक ही रास्ता है, बाबा साहब अम्बेडकर को निकाला जाए बाहर। जैसे ये अभी सम्मेलन हो रहा है हमारा, बाबा साहब अम्बेडकर आएंगे सब ठीक हो जाए, यानी उनका संविधान निकल के आएगा। वो तो सिर्फ संविधान सभा में बंद है, यहीं पे बंद है उसे। तो संविधान, हाँ जी, क्या संविधान लागू नहीं है? नहीं लागू, लागू होता तो कॉलेजियम कैसे होता? लागू होता तो लेटरल एंट्री कैसे होती? लागू होता तो निजीकरण कैसे होता? लागू नहीं है ना। व्यापार के लिए निजीकरण किया जा रहा है सर। अरे वो व्यापार, व्यापारियों के लिए की सत्ता ही है ये, या अंबानी अडानी की ही सत्ता है जिस कारण से ये सब हो रहा है। इसमें क्या, इसमें दो राय की तो कोई बात है? रोजगार मिलेगा व्यापार, रोजगार यहाँ तो 45 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं और अपनी रोजगार की चाह छोड़ चुके हैं। आप कहते हैं कि रोजगार मिलेगा, क्या खाक मिलेगा? सारे रिकॉर्ड तो विकास करते करते मोदी जी ने बेरोजगारी में इतना विकास कर, हाँ विश्वगुरु तो बन ही चुका है। पहले 55 का पेट्रोल था, अब 110 का पेट्रोल है या 120 का पेट्रोल है, विश्वगुरु तो बन ही चुका है। विश्वगुरु क्या बनेगा? कि अपने देश की सारे देशों में इससे बड़ा विश्वगुरु क्या बनेगा? बिल्कुल। अब नूपुर शर्मा के मामले में जिस तरह से सारे मुस्लिम देशों ने और कई देशों ने जो मोदी जी की जगहसाई की है, अब फ्रिंज एलिमेंट बोल के, ये बोल के तुम कब तक बच सकते हो? अब तो कांग्रेस के नेता भी सड़क उतर गए उनके समर्थन में, नूपुर शर्मा के, कह रहे हैं कि हिंदू की बेटी है। हाँ तो मैंने कहा ना अभी आपसे, यही तो बात कही राहुल गांधी की बात, इसीलिए तो कही आपसे। क्या कांग्रेस वाले ब्राह्मण नहीं है? वही है कांग्रेस की मार है। क्या एसटी से है, ओबीसी से हैं, माइनॉरिटी से हैं, वो भी ब्राह्मण हैं, राहुल गांधी वो भी हमारे उसमें किसी में नहीं है, वो भी संविधानिक नहीं है, वो भी मनुस्मृति वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं है। मुसलमानों के लिए नहीं, हमारे किसी के भी लिए नहीं, 85% के लिए बिल्कुल भी नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा था कि कांग्रेस जो है वो ब्राह्मणों की पार्टी है, इसलिए मैं कभी कांग्रेस में नहीं जाऊँ। वो गए भी नहीं कभी, कभी भी कांग्रेस में नहीं गए। कई बार उनको कहा गया, नहीं गए। ज्योति बार बीजेपी को एक जगह ना देखते हैं आप? जी बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस जो है भी आरएसएस की माँ है। केशव बलिराम हेडगवार है, निकले कांग्रेस से, निकल के आके बनाए। यही मकसद था कि पक्ष विपक्ष दोनों हमारे पास रहे जी। यही मकसद था ताकि तीसरा कोई विपक्ष ना बन सके।